हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायरा होम। आज की वीडियो में मैं आपको आपके साथ बात करूंगी कि हम घर पर ही रहकर डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपने फेस को बिल्कुल क्लियर बना सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आती हूं ब्यूटी, हेल्थ, फैशन और कुकिंग से रिलेटेड वीडियो। तो व्यूअर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कि डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन फेस के ऊपर होती ही क्यों है। डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन फेस के ऊपर इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि फेस मॉइस्चराइज नहीं होता और फेस के ऊपर डर्ट और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा असर कर जाती हैं और जिसकी वजह से पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट का असर हो जाता है और फेस के ऊपर 5 किस्म के एसिड्स जो हैं उनकी कमी हो जाती है। फर्स्ट जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड होता है, सेकंड लैक्टिक एसिड, थर्ड सिट्रिक एसिड, फोर्थ मैलिक एसिड और फिफ्थ टैट्रिक एसिड। ये 5 एसिड्स ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से फेस के ऊपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा केमिकल्स देते हैं और बहुत टीजिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो असर नहीं दिखाते, नहीं जी, वो बिल्कुल असर करते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है कुछ स्किन होती है बहुत सेंसिटिव जो कि ऐसे हार्शफुल केमिकल्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो जो होती हैं इस जो उनका ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का वो उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल होम रेमेडी है, इसमें आपको मैं ये 5 एसिड्स जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको बताऊँगी और एक आप फेस पैक बोल लीजिए या आप फेस क्रीम बोल लीजिए, मैं आपको वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही बेसिक है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलें अब मैं आपके 1 से 2 खाने के चम्मच ही मैंने दही लिया है। दही में मौजूद होता है लैक्टिक एसिड जो फेस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये उन्हीं 5 एसिड्स में से एक है, लैक्टिक एसिड मौजूद होता है दही में, ये दही ले लिया है। सेकंड जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ एप्पल। एप्पल में जो होता है वो होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो फ्रेकल्स होते हैं, जो मलाजमा होता है, पिगमेंटेशन होता है, उसके लिए स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप इसके साइज़ छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैलिक एसिड हो जाएगा। थर्ड जो हमारे पास है वो है सिट्रिक एसिड। ये लेमन है, लेमन ले रही हूँ मैं, हाफ लेमन। इनका छोटा बड़ा साइज़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ये तो ऑलरेडी मैं कई वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें नेचुरल ब्लीचिंग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये भी फेस के ऊपर बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपके सेंसिटिव स्किन है तो आप लेमन को स्किप करके आप इसकी जगह ऑरेंज भी ले सकते हैं। थर्ड हमारे पास है बनाना। बनाना में मौजूद होता है टैट्रिक एसिड, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इस बनाना को भी मैं जो है कवर के साथ ही ले रही हूँ। ब्लेंड मिक्सचर को कंटेनर में निकाल लेना है। ये हमारे पास कंटेनर में जो पेस्ट हमने 5 एसिड्स यूज़ किए थे उनका मिक्सचर मौजूद है। अब इस मिक्सचर को एक बॉडी शेप देने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है फेस के जो कील, छाइयाँ और फालतू चिकनाई होती है फेस के ऊपर जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये एक फेशियल के तौर पर स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। स्किन के ऊपर अगर किसी किस्म की एलर्जी हो उसको भी ख़त्म कर देती है। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रहे हैं मुल्तानी मिट्टी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून ऐड करनी है ब्राउन शुगर, जो कि गन्ने के जूस से बनी हुई जो शुगर होती है ब्राउन शुगर। 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ले रहे हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि फेस पैक एक स्मूथ स्ट्रक्चर के तौर पर आ जाए। ये बिल्कुल बेसिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट
फेस के ऊपर नहीं आएगा, ये बहुत ही बेहतरीन है। नेचुरल रेमेडीज़ जो होती हैं उनका असर जो होता है आता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा लेट आता है, लेकिन आता ज़रूर है। इस वजह से इसको ज़रूर अप्लाई करें, इससे चेहरे पर एक ताजगी और जो है ना पर रौनक चेहरा ज़रूर दिखेगा, और चेहरे के ऊपर जो भी डर्ट और पोल्यूशन की वजह से डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन हो जाती है वो भी दूर हो जाएगी। ये हमारे पास फेस पैक इसको बोल लीजिए या इसे क्रीम बोल लीजिए, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बता देती हूँ। बहुत स्मूथ और कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये। टेन से 15 मिनट्स तक आप इस फेस पैक को अपने फेस पर लगे रहने दें और फिर इसको पानी से वॉश कर लें। ये बेहतरीन फेस पैक डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को रिमूव करने वाला बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप जो है इसकी कैप को मैं बंद कर देती हूँ। इसको आप अपने फ्रिज में 10 से 15 दिन तक बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं और हर रोज़ आप अप्लाई करें इसको अपने फेस के ऊपर। इसमें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अप्लाई हुए हैं, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है। बिल्कुल केमिकल फ्री नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मैंने आपको ये फेस पैक तैयार करके बताया है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।